अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। आज मैं आपको गोश्त का अचार बनाने का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैं यहाँ पर गोश्त ली हूँ, आधा किलो के करीब है ये। इसको मैं छोटे पीसेस कर ली, आप चाहे तो बड़े भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है और 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, इसको मैं भून के पीसी। और 1 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। और यहाँ पर ये तकरीबन 6 नींबूओं का रस है और 4 डल्ली लहसुन छील के इसको मैं दरदरा सा पीस के रख ली। अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये मैं कढ़ाई में नमक डाल दूंगी पहले, और 1 चम्मच अलग रखी हुई हूँ और 1 टेबल स्पून नमक इसमें मैं डाल रही हूँ, और ये 1/2 नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, मैं हाई फ्लेम पे इसको रख दी। ये देखिए, पानी इसका बिल्कुल सूख गया। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल थोड़ा, अचार है ना, इसलिए तेल थोड़ा ज्यादा डालेगा इसमें। इसको हम तेल में थोड़ा अच्छा तल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। ये थोड़ी देर और हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्का सा ये ब्राउन हो रहा। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। हम लहसुन को भी 1 मिनट तक भूनेंगे। आँच जो है फ्लेम मीडियम कर दी मैं। और आप एक चीज़ गौर करिए, मैं गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाई, क्योंकि एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा गोश्त गला हुआ मज़ा नहीं आता फिर अचार में। और ईद आने वाली है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब ये मैं मसाले भी पूरे डाल दूंगी इसमें। ये लहसुन के साथ में 1-2 मिनट तक भुनी। और ये बकिया नींबू का रस भी मैं इसमें डालूंगी। ये मैं छोटे से पैन में थोड़ा तेल डाल के इसमें लाल मिर्ची, जीरा और थोड़ी सी राई डाल के बघार तैयार कर ली। इससे अचार का लुक अच्छा आता है और लहसुन के 4-5 पोतियाँ भी हैं। ये अचार बनके तैयार है बिल्कुल। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल तैयार है ये गोश्त का अचार। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे कैसी बनी। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।